राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आने वाली रबी की सीज़न में गेहूं की उन्नतशील वेराइटियाँ कौन कौन सी हैं, रबी की सीज़न के लिए कौन कौन सी किस्में ज़्यादा अच्छी हैं जिनका उत्पादन हमें अन्य किस्मों की अपेक्षा ज़्यादा रहने वाला है। मैं आपको आज कुछ नई विकसित किस्मों की जानकारी भी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। किसान भाइयों, धान की फसल लगभग पककर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है और धान की फसल की कटाई के बाद अधिकतर किसान भाई गेहूं की बुवाई शुरू कर देते हैं, तो इस समय किसान भाइयों के दिमाग में यह बात रहती है कि वे कौन सी वैरायटी के गेहूं की बुवाई करें जिससे कि उसमें बीमारियों का भी प्रकोप कम हो और उत्पादन भी अच्छा निकल कर आए। तो मैं आपको ऐसी ही कुछ वैरायटियाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमने जो नई विकसित वैरायटियों में जो ली हैं वो हैं DBW 370, DBW 371 और DBW 372। यह तीनों किस्में IIWVR करनाल द्वारा विकसित की हुई हैं। इन तीनों वैरायटियों की जो उत्पादन क्षमता है उनका औसत लगभग किसान भाइयों 75 से 78 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का है। इन वैरायटियों के अलावा PBW 883, HD 3369 और HD 3406 की बुवाई करके भी आप गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये सभी किस्में नई विकसित की हुई हैं। बात करें किसान भाइयों पुरानी किस्मों की, तो पुरानी किस्मों में आप HD 2967, PBW 343 इन दोनों किस्मों की बुवाई करके भी बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा आपके क्षेत्र में प्रचलित जो गेहूँ की किस्में हैं जिनका उत्पादन आपको पिछले वर्षों में अधिक देखने को मिला है उनकी भी बुवाई कर सकते हैं और उन किस्मों से भी आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।